प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के कजान शहर पहुंच चुके हैं। उनका ये दौरा 2 दिन का है। पीएम मोदी पिछले 4 महीनों में दूसरी बार रूस गए हैं। पीएम मोदी इससे पहले जुलाई में भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मिल रहे हैं और ये मुलाकात बहुत ज़्यादा खास है। इसके बाद वो आज शाम में ब्रिक्स लीडर्स के साथ डिनर में शामिल भी होंगे। डिनर के दौरान उनकी यहाँ कई लीडर्स के साथ अनौपचारिक बातचीत भी हो सकती है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी बुधवार को ब्रिक्स की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये 2 सेशन में होगी। सबसे पहले सुबह क्लोज प्लेनरी यानी कि बंद कमरे में बातचीत होगी और इसके बाद शाम को ओपन प्लेनरी में बातचीत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी का स्वागत एयरपोर्ट पर प्रवासी भारतीयों ने भव्य तरीके से किया। कजान के होटल कॉस्टन में पीएम मोदी ने रूसी कलाकारों का परफॉर्मेंस भी देखा। प्रधानमंत्री जैसे ही ब्रिक्स समिट के लिए रूस पहुंचे, कजान पहुंचे, यहां पर रूस की धरती पर पीएम मोदी के कदम पड़ते ही माहौल कृष्णमय हो गया। पीएम मोदी का न केवल ग्रैंड वेलकम हुआ बल्कि कृष्ण भजन से उनका स्वागत भी किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत होता है और रूसी लोग उन्हें कृष्ण भजन सुनाते हैं। रूसी शहर कजान में ब्रिक्स की 16वीं बैठक हो रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में ये सम्मेलन हो रहा है। ब्रिक्स में क्या खास होगा ये भी जानिए। ब्रिक्स समिट की साइडलाइन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर सहमति बन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे में पीएम मोदी और जिनपिंग की बातचीत हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो 2 साल बाद दोनों नेता आपस में बातचीत करेंगे। दोनों के बीच आखिरी बार 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी। हालांकि पिछले साल साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भी ब्रिक्स समिट में ही दोनों ही नेता शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में वैश्विक नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इस यात्रा को भारत की वैश्विक स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा, ब्रिक्स वैश्विक विकास एजेंडे से संबंधित कई प्रमुख मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। रूस में भारत के राजदूत का ये कहना है कि ब्रिक्स के मुख्य मुद्दे आर्थिक सहयोग का और विस्तार, राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार और वैश्विक सुरक्षा को लेकर जो है चर्चा करना होगा। साथ ही आपको बता दें कि आर्थिक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है ये मंच। ग्लोबल साउथ के कई देशों और अन्य देशों के बीच ब्रिक्स के साथ सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में रुचि बढ़ रही है। ब्रिक्स जिस मुख्य मुद्दे पर विचार कर रहा है वो है आर्थिक सहयोग का और विस्तार, राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार, सतत विकास, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री का लाइफ मिशन, समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए डिजिटल समावेशन, वित्तीय समावेशन की दिशा में काम करना और भारत में उपलब्धियों को ब्रिक्स के साथ ही सदस्यों के साथ साझा करना, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, DPI या UPI को कैसे ज़्यादा व्यापक रूप से स्वीकार्य बनाया जाए, अनिवार्य रूप से आर्थिक सहयोग को गहरा करना और वैश्विक दक्षिण के बड़े हिस्से के साथ लाभों को साझा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को रूस से रवाना हो जाएंगे। इसके बाद 24 अक्टूबर को ब्रिक्स प्लस देशों के सेशन में भारतीय डेलीगेशन को विदेश मंत्री एस जयशंकर लीड करेंगे। ये सेशन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ की थीम पर होगा। इस समिट में कुल 28 देश और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा लेंगे। समिट के बाद ब्रिक्स देशों का साझा बयान भी यानी कि कजान डिक्लेरेशन जारी होगा। भारत कजान में नए कंसुलेट की शुरुआत भी कर सकता है। यहाँ 1000 से भी ज़्यादा भारतीय छात्र रहते हैं। अब तक 15 बार हो चुकी है ब्रिक्स समिट। सबसे पहले 2009 में ब्रिक देशों की पहली समिट हुई थी। इसका आयोजन रूस में हुआ था। इसके बाद 2010 में जब से साउथ अफ्रीका शामिल हुआ है तब से इसका नाम बदलकर ब्रिक्स हो गया है। अब तक 15 बार ब्रिक्स समिट हो चुके हैं। इस बार 16वीं समिट हो रही है। रूस अब तक 3 बार ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर चुका है। ये चौथा मौका होगा जब पुतिन ब्रिक्स की अध्यक्षता करेंगे।
पुतिन ने मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया। साथ ही पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को एक सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता, तो वार्ता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस बार का ब्रिक्स बहुत ज्यादा खास रहने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुलाकात कई बड़े देशों के जो मुख्य होंगे, प्रमुख होंगे, उनसे होने वाली है।